नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर राजधानी लखनऊ के धरना स्थल इको गार्डन से है, जहां आज मंगलवार को भारत रक्षा दल ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भागीरथी विश्वकर्मा ने दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान बहराई दंगाइयों को फांसी दिए जाने सहित पांच सूत्रीय मांगों को लेकर ट्रस्ट के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ एक दिवसीय धरना दिया। भारत रक्षा दल ट्रस्ट ने अपने मांग पत्र में बहराई दंगे में मृतक रामगोपाल मिश्रा के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिए जाने एवं जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने के साथ साथ सनातन हिंदू बोर्ड का गठन एवं भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग की गई है। जिंदाबाद भारत रक्षा दल, जिंदाबाद जिंदाबाद भारत रक्षा दल, जिंदाबाद जिंदाबाद जय मातृ। तो तुम गैंगस्टर है ना, गैंगस्टर तो तुम आप भी नहीं है ऊपर, तो ये लोग घट जाएंगे। बहराइच में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान भड़के दंगे को लेकर आज भारत रक्षा दल ट्रस्ट द्वारा राजधानी लखनऊ के धरना स्थल इको गार्डन में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया है और दंगाइयों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग की गई है। इसी क्रम में भारत रक्षा दल ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या प्रमुख मांगे हैं आपकी? देखिए, ये जो घटना हुई है बहुत ही चिंतनीय है और यह घटना एक प्रकार से एक संकेत है हम सभी सनातनियों के लिए, क्योंकि हम तो भाईचारा की बात करते हैं लेकिन वो सीधे सीधे चारा की बात करते हैं। जहां कहीं भी मुस्लिम आबादी अधिक है और हिंदू समुदाय जहां पर कम संख्या में है, उसका उत्पीड़न, उसके साथ दुर्व्यवहार और उसके धार्मिक कार्यक्रमों में इस प्रकार के व्यवधान उत्पन्न करना इन बेधर्मियों का कर्तव्य बन चुका है। आप कहीं भी आप देख लीजिए, चाहे रामनवमी का जुलूस हो, चाहे दुर्गा पूजन का विसर्जन का जुलूस हो, चाहे गणेश प्रतिमा का विसर्जन जुलूस हो, ये बेधर्मी कौम जो है हमेशा दंगा करती है, पत्थरबाजी करती है। इसलिए आज सबसे ज़्यादा चिंतित दुख की बात तो यह है कि उसमें रामगोपाल मिश्रा की जो हत्या इन लोगों ने किया और निर्मम हत्या जो किया, वह किसी भी रूप में आक्रोश नहीं, यह एक प्रायोजित कार्यक्रम है, एक कड़ा संदेश है। जो कश्मीर में 1990 में घटनाएं हुई हैं उस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति का एक संकेत है। इसलिए आज इस प्रदर्शन के माध्यम से हम लोगों ने सरकार से अनुरोध किया है कि बहराइच के दंगाइयों को फांसी दी जाए, इनके लिए अलग फास्ट ट्रैक अदालत के माध्यम से 6 महीने के अंदर अंदर इस पर जो है निर्णय आना चाहिए। साथ ही हम लोगों ने मांग किया है कि रामगोपाल मिश्रा के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, उनकी पत्नी को नौकरी दी जाए। हालांकि हमें सूचना मिल गई है कि आज मुख्यमंत्री जी ने उनकी पत्नी की नौकरी की बात स्वीकार कर लिया है, 10 लाख की मुआवजा की बात उन्होंने स्वीकार किया, कहा है, उसकी भी हम लोग प्रशंसा करते हैं, लेकिन मुआवजा राशि बढ़ाई जाए यह भी हम आपके माध्यम से अनुरोध करते हैं। साथ ही इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने देश के प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को जो ये 5 सूत्री ज्ञापन भेजा है, उस ज्ञापन में हम लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की भी बात कही है, क्योंकि इन बेधर्मियों की बढ़ती तादाद आने वाले समय में चिंता का कारण बनेगी और इसलिए हम लोग चाहते हैं हम दो हमारे दो और सबके दो का कानून बने, ताकि इनकी जनसंख्या, हम लोग तो हम दो हमारे दो कर रहे हैं लेकिन इनका क्या है कि हम दो हमारे गिन लोग के सिद्धांत पे चल रहे हैं और ये अपनी आबादी बढ़ा करके 1947 के पहले की स्थिति को निर्माण करने के लिए काम कर रहे हैं। एक सुनियोजित तरीके से देश में एक कौम अपनी आबादी बढ़ा रही है, इसलिए भारत रक्षा दल ट्रस्ट अनुरोध करना चाहता है कि सरकार से कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, सनातन हिंदू बोर्ड का गठन किया जाए। इस प्रकार की मांग हम लोगों ने आज के कार्यक्रम के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से किया है, क्योंकि कुछ 2-3 विषय इसमें प्रधानमंत्री जी से संबंधित है और बाकी विषय मुख्यमंत्री जी से संबंधित है। इसलिए हम लोगों ने यह ज्ञापन माननीय SEP महोदय के माध्यम से दोनों ही प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया है। निश्चित रूप से बहराइच कांड की चारों तरफ निंदा हो रही है और इसी क्रम में ट्रस्ट द्वारा, भारत रक्षा दल ट्रस्ट द्वारा यहां पर प्रदर्शन कर सरकार से मांग की गई है कि हत्यारों को फांसी दी जाए, दंगाइयों को फांसी दी जाए, किसी को न बख्शा जाए। इसी के साथ हिंदुत्व की रक्षा को लेकर इन लोगों ने चिंता जताई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग की है, तमाम जैसे कि जनसंख्या कानून बनाया जाए, हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और बोर्ड का गठन किया जाए, इन तमाम बिंदुओं को लेकर
ये लोग आज प्रदर्शन किए हैं। अब देखने वाली बात होगी सरकार इनकी मांगों पर कितना अमल करती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी सुनील कुमार पाल के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज भारत। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।